शराब क्यों पीते हो? नीतीश को हम अपना फायदा के लिए बंद कर दिया, हम अपना इसके लिए बोलेंगे तो नहीं पियेंगे, हम इसका कहने से नहीं पियेंगे। कहाँ से मिल जाता है शराब, कहाँ से उपलब्ध होता है? आप दोनों से मिलल है, दोनों मिलल। सुशासन की सरकार में शराबबंदी कानून को एक शराब तस्कर ने खुलेआम चुनौती दी। शराब तस्करी के आरोप में जेल से छूटने के बाद शराब पीकर वो उत्पाद विभाग पहुंचा और वहां जमकर हंगामा किया। उत्पाद विभाग के दरोगा को उसने जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आज क्या पैक पिया था? आज कितना पिया था? एक पैक नहीं, एक पैक का तो नशा अच्छा, नहीं है। पीके कैसे चले गए तुम विभाग में? अरे मोबाइल लाने गए थे भाई। तो पीके चले जाओगे? पीके कहे गए? पीके नहीं गए हैं, नहीं सुबह गए थे, एक बार सुबह गए थे। हां सब खींचे हूं फरक नहीं पड़ता। हां पेपर में समझ दिए? नहीं नहीं, हां फोटो नहीं आने चाहिए? नहीं आएगा, नहीं। वहीं मौके पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों ने शराबी को दबोच लिया और त्वरित कार्रवाई कर जेल भेज दी। उत्पाद कार्यालय में हंगामा कर रहे शराबी का नाम कृष्णा श्रीवास्तव बताया जाता है, जो किशनगंज खगड़ा निवासी बताया जाता है। कृष्णा बुधवार को किशनगंज मंडल कारा से रिहा हुआ था। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने और बेचने के आरोप में अब तक उसे 3 बार जेल भेजा है। गिरफ्तार तस्कर ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिहार में उन्होंने शराबबंदी कानून पारित किया, अब वो चाहे जितनी भी कड़ी सजा दे दे वो शराब पीना नहीं छोड़ेगा। शराब क्यों पीते? नीतीश को हम अपना फायदा के लिए बंद कर दिया, हम अपना इसके लिए बोलेंगे तो नहीं पियेंगे, हम इसका कहने से नहीं पियेंगे। कहाँ से मिल जाता है शराब, कहाँ से उपलब्ध होता है? आप दोनों से मिलल है, दोनों मिलल। वहीं उत्पाद विभाग के दरोगा संजय कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि शराब के नशे में चूर होकर वो कार्यालय में घुसकर जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसके आरोप पे उसे जेल भेज दिया गया। इसको पहले भी जेल भेजा गया था शराब के साथ, या शराब पी करके आया और कहने लगा जो कौन भेजा था जेल, कौन मारा था हमको, उसको मारेंगे पीटेंगे, शराब पिए हुए था। दफ्तर में आके शराब पी के उत्पाद हाँ, दफ्तर में आके शराब पी कर सर उसने कोई धमकी भी दी? मारने का धमकी दिया, मारेंगे अकेला में मिलेगा तो मारेंगे। इससे पूर्व में भी वो? हाँ पूर्व में भी जेल भेजा गया है। किस जुर्म? शराब पीने के जुर्म में और शराब बेचने के जुर्म में भी 2 बार भेजा गया है, पहले भी 2 बार जा चुका। हाँ हाँ ये तीसरा बार। कब रिहा हुआ था? कल रिहा हुआ। और आज बेल हुआ, पुनः आ गया। हाँ तो ये तो सर अधिकतर है, इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए सर? क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है? अब जिस तरह से युवक ने खुलेआम हंगामा किया, बवाल काटा, उससे एक बात तो साफ हो गई है, बिहार में कानूनी रूप से चाहे जितनी बंदिशें लगा दी जाएं, लेकिन बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है वो तो ये तस्वीरें बता रही हैं। गौरव कुमार, किशनगंज, बिहार तक।